नमस्कार दोस्तों, ओशो और जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी ये दोनों भी हुए राजनीतिक अत्याचार का शिकार। आज शुक्रवार के दिन हम बात करने वाले हैं ओशो को भारत में प्रवेश करने से रोक दिया गया और दूसरी तरफ जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी भी भारत के गंदी राजनीति का शिकार हुए थे। ये दोनों वो नाम हैं जिस पर आप जितना भी गर्व करें कम है। ओशो के विषय में मैं जितना कुछ कहूं उससे करोड़ गुना ज़्यादा कहने को बाकी रह जाता है। ओशो ही वो महापुरुष है जिन्होंने भारत में 1960 के बाद गोरख हो या भगवान महावीर हो या बुद्ध हो, पलटू हो, धर्मदास, जितने सारे सदगुरुओं पर ओशो ने अपने प्रवचन दिए हैं, कबीर हैं, रविदास हैं, मीराबाई, आप समझ सकते हैं कि लगभग 50 या 100 से अधिक सिद्धों के वाणी को दोबारा ओशो ने प्राण फूके हैं। मैं कहना चाहता हूँ गर्व से कि भारत में जितने भी सदगुरु हुए, भगवान कृष्ण हो या फिर आगे आप गौतम बुद्ध हो या भगवान महावीर हो, इन सभी ने एक धारा को लेकर चले। लेकिन ओशो एकमात्र ऐसे सदगुरु हैं जिन्होंने धर्म में भक्ति, ध्यान, योग, तंत्र, सूफिज्म, बाउल, सभी विषयों पर उन्होंने बहुत सारा प्रकाश डाला और पूरे धरती को उन्होंने ध्यान करना सिखाया, क्योंकि ध्यान के बिना कोई भी ज्ञान प्रामाणिक नहीं हो सकता है। जब हम ध्यान से गुजरते हैं तो ही हमारा अपना अनुभव हमारे ज्ञान के साथ संयुक्त होता है। आज शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन को ही ओशो का जन्म हुआ था। शुक्रवार के दिन ही ओशो ने शरीर को छोड़ा था, इसलिए मैं आज के दिन को ओशोमय हो जाता हूँ। और उससे ज़्यादा विचित्र बात तो मुझे ये लगा कि आज सुबह सुबह मुझे जो पहला वीडियो मिला वो था जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी का। उसमें वो बता रहे थे कि वर्षों पूर्व वो भारत के राजनीति का शिकार हो गए थे। उन्हें 8 दिनों तक जेल में रखा गया, उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गई, उन पर डंडे बरसाए गए, उनके हाथ की कलाई तोड़ दी गई जो आज तक टेढ़ी है। मैं सुबह में 5 बजे के आसपास मैं बहुत ही दुखी हुआ, द्रवित हुआ, क्योंकि श्री राम भद्राचार्य जी को देखकर लगता नहीं है कि वो क्या अपराध कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर आप कह सकते हैं ये क्या अपराध करेंगे, ये क्या क्राइम करेंगे, आखिर क्या ख्याल रहा होगा कि श्री राम भद्राचार्य जी को 8 दिनों तक जेल में रखा गया, उनके साथ मारपीट की गई। बहुत ही दुखद ये बात है कि हमारे देश में, हमारे भारत में, आपको मैं राम भद्राचार्य जी के बारे में जितनी भी मेरी थोड़ी सी जानकारी है, ओशो के विषय में मुझे अधिक से अधिक पता है क्योंकि मैं 1990 से लेकर के आज तक पिछले 33 वर्षों से मैं ओशो पर ही PhD कर रहा हूँ। ये मेरी अपनी भाषा है, PhD कर रहा हूँ, मतलब उन पर मैं नित्य प्रति उनके बारे में नई नई जानकारी मुझे मिलती रहती है। तो ओशो के विषय में मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ क्योंकि मैं 33 वर्षों से ओशोमय ही हूँ। लेकिन आज जब मुझे सुबह सुबह पहला वीडियो मुझे मिला श्री राम भद्राचार्य जी का, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि उनके जैसे व्यक्ति को, सत्पुरुष को, महापुरुष को जेल में डाल दिया गया। लेकिन बहुत आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि इससे पहले गुरु नानक देव हो या गुरु गोविंद सिंह हो और बहुत सारे सदगुरु हैं, कबीरदास भी हैं और भी कई सदगुरु हैं जिन पर अत्याचार, शायद सभी पर उस जमाने के राजनीति का अत्याचार हुआ है, जीसस क्राइस्ट पर भी हुआ है। आप ध्यान दीजिए कि जब से धरती बनी है तब से ईसा मसीह हो या उसके बाद से लेकर कबीरदास हो या ओशो हो या जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी हो, इन सब पर राजनीतिक अत्याचार हुए हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि एक बालक, अब मैं थोड़ा सा मैं श्री राम भद्राचार्य जी के विषय में थोड़ी सी बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। आप सभी भी उन्हें जानते होंगे कि 2 महीना के छोटी सी उम्र में उनकी आँखों की रोशनी चली गई। फिर से सुनिए, जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी सिर्फ 2 महीने के उम्र में उनकी आँखों की रोशनी चली गई। लेकिन वो विलक्षण बालक 5 वर्ष की उम्र में उनको गीता याद हो गया पूरा का पूरा, और 7 वर्ष की उम्र में उन्हें रामायण याद हो गया। आप समझ सकते हैं कितने विलक्षण प्रतिभा के धनी महापुरुष हैं जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी, जिन्होंने 2 वर्ष की उम्र में अपनी आँखों की रोशनी खोई, उसके बावजूद भी उनका यह अध्ययन देखिए
कि 5 वर्ष की उम्र में उन्हें भगवद गीता याद हो गया था, 7 वर्ष की उम्र में उन्हें रामायण याद हो गया, और आज भी वो 22 भाषाओं के विद्वान हैं। और भी बहुत कुछ है उनके बारे में। भारत में उनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन जो सबसे बड़ा पुरस्कार मैं मानता हूँ वो है आज के बहुत ही प्रसिद्ध गुरु बागेश्वर धाम सरकार, जो श्री राम भद्राचार्य जी के शिष्य हैं। इसके अलावा श्री राम भद्राचार्य जी ने 80 ग्रंथों को भी लिखा है। इतने बड़े महापुरुष को जब वो अपना वर्णन करते हैं, चूँकि मैं अपने वीडियो में उनका वीडियो को इंसर्ट नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा सा उल्लंघन हो जाएगा नियम का, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि श्री राम भद्राचार्य जी जब सुबह सुबह बता रहे थे कि उन्हें 8 दिनों के लिए जेल में डाल दिया गया, भोजन की उत्तम व्यवस्था नहीं थी, उन्हें पीटा गया, तब मुझे लग रहा था कि आज बागेश्वर धाम सरकार जिनके चरणों में बैठते हैं, जिनके चरण सहलाते हैं, चरणों पर अपना शीश रखते हैं, उन गुरु के साथ ऐसा अत्याचार। लेकिन मुझे याद है उतनी ही बर्बरता के साथ 1985 में जब ओशो अमेरिका से भारत आए। आप सभी जानते हैं कि ओशो ने विविध विषयों पर तो बोला ही, 1970-74 तक उन्होंने जगह जगह ध्यान शिविर लिए, उन्होंने ही लोगों को डायनेमिक मेडिटेशन सिखाया, जो मैं खुद करता हूँ। सक्रिय ध्यान ओशो की एक ऐसी ध्यान विधि है जिसके कारण मैं मानता हूँ कि मैं मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ और शारीरिक रूप से स्वस्थ हूँ। उन ओशो ने जब वो अमेरिका से वापस भारत आए, और आप सभी जानते हैं कि बोलने के विषय में ओशो को ऐसी महारत हासिल थी कि वो किसी भी विषय पर दोनों पक्ष से बोल सकते थे, पक्ष में भी और विपक्ष में भी। जब ओशो ने भगवान राम के पक्ष में कहा, वो मुझे मालूम है, तब मुझे लगता था कि राम जैसे, भगवान राम जैसे दिव्य पुरुष धरती पर कोई भी नहीं, और जब ओशो भगवान राम की आलोचना करने लगते हैं तो वो भी बड़ा सस्पष्ट लगने लगता है। लेकिन बात वो नहीं थी। ओशो ने हमेशा मनुष्य के मन के धारणा को काटा है। ओशो ने भगवान राम के पक्ष में जितना कुछ कहा है वो मुझे पता है। ओशो ने जब गीता दर्शन पर प्रवचन दिया, जितना बढ़िया से भगवान कृष्ण को महिमा मंडित उन्होंने किया है, या वो जब किसी पर बोलते हैं, चाहे वो गुरु नानक देव पर बोलते हैं, या महावीर पर, या बुद्ध पर, या लाओत्से पर, विश्व के किसी भी गुरु पर जब ओशो बोलते हैं तो ऐसा लगता है उनके ऐसा धरती पर कोई भी नहीं है। वो ओशो जब 1981 में अमेरिका चले गए, और अमेरिका में उनका जाने का जितने भी कारण था उसमें से एक स्पष्ट कारण था उनका स्वास्थ्य, और दूसरा जो मेरे हिसाब से कारण था, पूरे विश्व के लोगों को ध्यान सिखाना। और ओशो के पास पूरे विश्व से लोग पहुंच रहे थे। शायद उस ज़माने में 50 से या 100 देशों के लोग ओशो के पास गए और ओशो से ध्यान सीखे। राजनीतिक कारणों से जब ओशो को अमेरिका छोड़ना पड़ा, और भारत का सौभाग्य कि ओशो के पांव दोबारा भारत की धरती पर पड़े, 1985 में जब ओशो वापस भारत लौटे तो उस समय बॉम्बे के एयरपोर्ट पर ओशो को रोक दिया गया। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, अर्थात राजीव गांधी जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। ओशो ने अपने प्रवचन में, जब ओशो वहाँ पर आए और उनको एयरपोर्ट पर रोक दिया गया 3 घंटा तक या शायद उससे ज़्यादा, ओशो को एयरपोर्ट पर रोक दिया गया, उन्हें भारत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। ओशो के जितने प्रेमी हैं वो इस बात को जानते हैं। ओशो ने अपने वीडियो कोपले फिर फूट आई, उसमें ओशो ने इस बात को बताया, उस वीडियो में ओशो ने बताया है किस तरह से भारत में आने पर उनका स्वागत हुआ, यानी कि स्वागत ये हुआ कि उन्हें भारत में प्रवेश नहीं करने दिया गया। शायद 12 घंटा तक, 5 घंटा या 12 घंटा तक ओशो को एयरपोर्ट पर बैठा कर रखा गया। ओशो कहते हैं क्यों मुझे बैठा कर रखा गया, उनके पास तो ऐसा कोई लगेज नहीं था। एक भारत का वासी, भारत का रहने वाला व्यक्ति ओशो को मुंबई के एयरपोर्ट पर रोक कर रख दिया गया। ये होता है दुर्व्यवहार सदगुरुओं के साथ। आज 2023 में मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो विश्व का सबसे बड़ा सितारा है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनके सामने दुनिया में लाखों लोगों को नतमस्तक होना पड़ा, होना ही पड़ता है, आज चाहे वो लंदन जाते हो तो, या अमेरिका से जब यूट्यूब वाले उनको अपने तरफ से भेजते हैं, कुछ रिवार्ड भेजते रहते हैं, उन सबको देखा जाए तो आज धरती पर बागेश्वर धाम सरकार अपना झंडा गाड़ रहे हैं, और अपना नहीं बल्कि सनातन धर्म का झंडा गाड़ रहे हैं। आज मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि हमारे देश में या दुनिया में धर्म और राजनीति दोनों की ज़रूरत है।
मैं ये नहीं कह सकता हूँ किसी धर्म की जरूरत है, राजनीति की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सड़क बनते हैं, जो भवन बनते हैं और जितने भी बिजली के खंभे लगते हैं, ये सब काम कोई धार्मिक पुरुष नहीं करते हैं, बल्कि राजनीतिक लोग ही करते हैं। हमारे देश में जो बिजली की व्यवस्था है, सड़क की व्यवस्था है और तरह तरह के कानून की व्यवस्था है, वो सब धार्मिक व्यक्ति की मदद से नहीं बल्कि राजनीतिक लोगों की मदद से होता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि दुनिया में धर्म और राजनीति दोनों की ज़रूरत है। बिल्कुल राजनीति होनी चाहिए और धर्म भी होनी चाहिए। राजनीति धर्म को नष्ट न करे, अति उत्तम हो जाएगा। हमारे देश में आज जितने भी धार्मिक लोग हैं, चाहे बाबा रामदेव हों, आपने सुना होगा उनके साथ भी क्या क्या घटनाएं घटी थी, या हमारे बागेश्वरधाम सरकार हो, जिनके विपक्ष में हाल में अप्रैल में काफ़ी कुछ शोर मचाया गया, लेकिन बागेश्वरधाम सरकार के सामने भैया गलती से ही मत आइएगा, बड़े ही खतरनाक गुरु है, कब किसका पोल खोल देंगे कहना मुश्किल है। तो चलिए, मैं तो निश्चिंत हूँ कि बागेश्वरधाम सरकार के सामने गलती से भी मत पड़िएगा तो अच्छा रहेगा। ही इज़ अ डेंजरस मास्टर। ओशो भी डेंजरस मास्टर हैं, लेकिन ज़रा करुणामान है, लेकिन बागेश्वरधाम सरकार के सामने पड़िएगा तो वहाँ ज़रा आड़ा तिरछा होने की कोशिश मत करिएगा, वरना पोल खोल डालेंगे पूरा का पूरा वो। और उनके गुरु हैं जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी, उनके सम्मान में मैं जितना भी कहूँ कम है। आज अगर भारत में वो हैं, अभी मैं देख रहा था कुछ देर पहले उनका वीडियो, हमारे देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी उनको पद्म विभूषण का पुरस्कार दे रहे थे। और भी मैंने वीडियो देखा जहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उनको सम्मान दे रहे थे। ज़रूरत है, देश सिर्फ राजनीति से नहीं चलता है, देश आध्यात्मिक रूप से अगर मजबूत रहेगा तो सारा विश्व उसको नमन करेगा। आपको पता है, आज जब मैं देखता हूँ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को, बागेश्वरधाम सरकार को, उनके सामने अंग्रेज़ भी हाथ जोड़े खड़े हैं, अंग्रेज़ भी हिंदी में बातें कर रहे हैं, बहुत ही गर्व होता है, क्योंकि 15 अगस्त सामने है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश पर 300 वर्षों तक अंग्रेज़ों ने शासन किया। आज जब वही अंग्रेज़ बाबा बागेश्वरधाम सरकार के सामने हिंदी में कुछ मजाक करते हैं तो बहुत खुशी होती है। अभी लंदन में एक सप्ताह पहले, लंदन में बागेश्वरधाम सरकार जी जा कर के आए एक सप्ताह तक, बहुत सम्मान बहुत प्यार मिला, मैंने देखा उनको, अंग्रेज़ों ने उनको बहुत ही प्यार दिया, सम्मान दिया, यहाँ तक कि प्रिंस चार्ल्स के रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ आए हुए थे। हमारे भारत के आज जो कुछ भी महान लोग हैं, बागेश्वरधाम सरकार हैं, जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी हैं और भी बहुत सारे सदगुरु हैं, होने चाहिए। ओशो को तो आप ये समझ लीजिए कि जिस ओशो को भारत में प्रवेश करने से रोका गया, आज वो ओशो भारत के करोड़ों लोगों के हृदय में प्रवेश कर चुके हैं। अगर भारत की आबादी 140 करोड़ हैं तो उनमें से 1 करोड़ से ज़्यादा लोग आज ओशो के बताए हुए ध्यान विधि पर चलते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ, और ये प्रतिदिन बढ़ रहा। आज का पूरा दुनिया, पूरा युग ओशो के बताए हुए देशना पर चल रहा है। आज के बच्चे, लड़के या लड़कियाँ, युवा, युवक, बूढ़े, बुजुर्ग, सभी आज दमित होकर नहीं जी रहे बल्कि सम्यक रूप से अपने जीवन को जी रहे हैं, विथ राइट अवेयरनेस। आज का जो दुनिया है वो ओशो के ही विचारधारा पर चल रही है, चाहे वो हॉलीवुड हो, चाहे बॉलीवुड हो या हमारा समाज हो, आज सभी स्वतंत्र रूप से जी रहे हैं, ये ओशो का ही देन है। और सबसे बड़ी बात कि हमारा जो दमित समाज था उसको अगर किसी ने दमन से मुक्त किया है तो ओशो ने किया है। ओशो ने हम सभी को ध्यान सिखाया। आज दुनिया में 1 करोड़ से अधिक लोग सुबह सुबह ध्यान करने बैठ जाते हैं, ये ओशो का देन है। ओशो के जितने भी सन्यासी हैं या ओशो के जितने प्रेमी हैं, उनके तरफ से धरती पर कम से कम अपराध होते हैं शायद ना के बराबर। आपने कभी नहीं सुना होगा कि ओशो के शिष्य या सन्यासियों ने कहीं चोरी डकैती कर दी, नहीं। ओशो ने हम सब के ऊपर इतना काम जरूर किया है कि ओशो के रहते हुए आज हम लोग क्राइम नहीं कर सकते। और उससे 2 कदम आगे बढ़कर देखा जाए तो आज जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी, उनके शिष्य बागेश्वरधाम सरकार जी और उनका शिष्य हम, मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, हम सब कभी भी गलत काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तो बागेश्वरधाम सरकार के गुरु जी सन्यासी बाबा, एक बात तो समझ में आ गई है कि आप कुछ भी करेंगे आप उनकी नज़र में हैं। अगर मैं कोई भी अपराध छुप करके भी करूं तो बागेश्वरधाम सरकार उसको जान सकते हैं, और जान ही नहीं सकते हैं, मेरे ज़्यादा स्मार्ट बनने पर और सबके सामने एक्सपोज कर सकते हैं। उनका स्वागत है, बिल्कुल करिए। अगर मैं गलत करता हूं तो बागेश्वरधाम सरकार मुझे
जितना कुछ डांट सकते हैं डांटिए, क्योंकि आज कम से कम वैष्णोधाम सरकार की वजह से एक बात तो समझ में आ गया कि सन्यासी बाबा जो उनके गुरु जी हैं कौन क्या करता है, अगर वो जानना चाहे तो जान सकते हैं। और अगर हम ज़्यादा सनातन धर्म के खिलाफ आड़ा तिरछा बोलेंगे तो फिर जय हो वैष्णोधाम सरकार, धुलाई निश्चित है। तो आज के युग में मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, अच्छा तो हो कि भारत में संतों को सम्मान हो, अच्छा तो ये है कि भारत में संतों को यथास्थान स्थान दिया जाए, उनसे कुछ सीखा जाए, अच्छी बात है। पिछले ही सप्ताह की बात है ना, छिंदवाड़ा में आए हुए थे वैष्णोधाम सरकार, तो वहाँ के मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान साहब उनका स्वागत किए, उनका अगवानी किए, ये अच्छी बात है। जहाँ कहीं भी वैष्णोधाम सरकार जाते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री उनकी अगुवाई करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, दैट इज़ ब्यूटीफुल सिग्नल, होना भी यही चाहिए। हमारे देश के राजनीतिज्ञ, एक समय की बात है, याद कीजिए कि जब देवरा बाबा हुआ करते थे, देवरा बाबा से मिलने पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या मोतीलाल नेहरू जी हो या इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो, तब के अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे और कितने सारे नाम मैं जानता हूँ, जब देवरा बाबा थे उनसे मिलने के लिए राजनीतिज्ञ वहाँ जाते थे, और सिर्फ मिलने ही नहीं बल्कि उनका परामर्श और आशीर्वाद लेने जाते थे। यही होना चाहिए, जब भी किसी देश में कोई सदगुरु हो तो राजनीतिज्ञों को मार्गदर्शन के लिए या आशीष पाने के लिए सदगुरुओं के पास जाना चाहिए। जब वो 90 का दौर था उस समय देवरा बाबा के पास सभी राजनीतिज्ञ, प्रमुख राजनीतिज्ञ उनके पास जाते थे परामर्श लेने और आशीर्वाद लेने। और आज जब हमारे सामने जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी हैं, उचित तो यही होगा कि सभी राजनीतिज्ञ उनके पास जाएं, उनसे परामर्श लें, उनका आशीर्वाद लें। आज के दिन मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, हमारे देश में ओशो जैसे सदगुरु हैं, मैं कहीं भी ओशो के लिए था शब्द का यूज नहीं करता हूं, मुझे पर्सनली पता है ओशो हैं और हम सभी में ध्यान का संचार करते हैं। और आज हमारे बीच श्री राम भद्राचार्य जी हैं जिनके शिष्य वैष्णोधाम सरकार, जिनका 24 घंटा उपस्थिति मैं अनुभव कर सकता हूँ। मेरे दोनों बच्चे वैष्णोधाम सरकार के शिष्य हैं और वो अपने गुरु की उपस्थिति को अच्छी तरह महसूस करते हैं। और आज मैं शुभकामना करता हूँ पूरे भारत को, पूरे विश्व को, चूँकि वैष्णोधाम सरकार पूरे विश्व में घूमते हैं और ओशो के ध्यान विधि भी पूरे विश्व में चलते हैं। आज मैं आशा करता हूँ कि राजनीतिज्ञ धार्मिक लोगों से आशीर्वाद लें और परामर्श लें, और धार्मिक लोग भी राजनीतिक लोगों के साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाएं। देश अकेले राजनीतिक लोगों से नहीं चलेगा, देश अकेले धार्मिक लोगों से नहीं चलेगा। जब धर्म और राजनीति हाथ में हाथ मिलाएंगे तब हमारा भारत होगा विश्व में नंबर वन। और इसी आशा के साथ कि धर्म और राजनीति भारत में एक दूसरे का विरोध नहीं बल्कि एक दूसरे का साथ देंगे, जब धर्म और राजनीति एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तब हमारा भारत होगा विश्व में महान और एक विश्व गुरु। आशा करता हूँ आज का वीडियो में आप सभी लोग जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी के प्रति आदर से भर गए होंगे, और ओशो को तो बहुत सारा प्यार मिलता है मुझे मालूम है। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से कह दूँ, ओशो को भारत में प्रवेश करने से रोक दिया गया था और जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया था। और भविष्य में आशा करता हूँ हम सब भारतवासी इन सभी सदगुरुओं को आदर देंगे, सम्मान देंगे, उनसे आशीष पाएंगे और मार्गदर्शन पाएंगे। मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।